विजय साहब, विजय साहब, विजय। वो विजय ऑफिस निकल गया सर देहरादून। गौतमा उससे मिल ही नहीं पाई और ना ही वापस आ रही है। वो गेट की तरफ जा रही है। ठीक है, तू वहीं रह। प्रतिमा किससे मिल रही है, क्या बात कर रही है, नजर रख। ठीक है सर। देखिए, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। विजय बाबू घर पे नहीं है। तो आप उनकी पत्नी को बुला दीजिए ना, वो जानती है मुझे। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आप यहीं रुकिए, मैं जाके मालकिन को बताता हूँ। ठीक है? ठीक है सर। है पिशिमा, कैमन आछो? वहां वृंदावन में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? सब ठीक है ना? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। फिर लगता है बिजॉय साहब की पत्नी मुझसे मिलना नहीं चाहती, पर उनकी हाँ के बिना मैं नीरजा से भी नहीं मिल सकती ना। क्या करूं? मैं अंदर जाकर खुद उनसे विनती करती हूँ कि मुझे वो नीरजा से थोड़ी देर के लिए मिलने दे। नीरजा, ये चोट तो तू ठीक है ना? तो क्या प्रतिमा? जब मैं बाहर होती थी तो एक पल भी मेरे बिना नहीं रह पाती थी तू। अब देख, ये सब कुछ अकेले सह रही है। इधुन, प्रोत्मा नीरजा से मिलने आई है और दोनों माँ बेटी गले रख के रो रही हैं। मारे को तो कुछ दाल में काला नहीं लग रहा। इनकी दाल पीली थी कब कल्लू। चल ध्यान रख कि प्रोत्मा सीधा बाड़ी जाए वहां से। ठीक है इधुन। अब ये बिजॉय बाबू अपने घर पर नहीं तो मैं उनके घर जाके क्या करूं? प्रतिमा नीरजा के आंसू तो नहीं पहुंचने वाले और ना इनकी काली दाल देखने वाली। चल भाई छोटू, बिजॉय बाबू के दफ्तर ले चल। लेकिन तू घबरा मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तू पहले मुझे ये बता कि इन लोगों ने क्या कहा है तुझसे? प्रतिमा, लोगों ने मुझे यहाँ पर 7 दिन रहने के लिए कह दिया है, वो भी इसलिए क्योंकि अभी इनने जिद की कि जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं तब तक यहां से ना जाऊं। मुझे पता है प्रतिमा, मैं अब अभी के दिल में नहीं हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे एक इंसान तो समझा और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो मेरा ख्याल रख रहे हैं। मैं जानती थी अभी रे बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन तू घबरा मत ना। देख, उन्होंने तुझे 7 दिन का समय दिया है ना, मैं ना तेरे लिए वो बना रही हूँ पासपोर्ट। हाँ, वो बनाकर मैं तुझे यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगी, इतनी दूर कि जहाँ दिदुन भी नहीं पहुंच पाएगी। हाँ प्रतिमा, सिर्फ पासपोर्ट से क्या होगा? तुझे पता है विदेश जाने के लिए कितने पैसे लगते हैं? हवाई जहाज की टिकट, वीजा, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? और चल मान लिया अगर हमारे पास इतने पैसे आ भी गए तो मैं वहां जाकर करूंगी क्या? मैं वहां कैसे अपने लिए काम ढूंढूंगी?
नहीं प्रतिमा, ये बहुत मुश्किल है प्रतिमा, ये सब कैसे होगा? जरूर होगा। नीरजान, हमें हर कदम पर लड़ना है और हर कदम पर जीतना भी है। तू अपने हौसलों को ये मत बता कि तेरी परेशानियां कितनी बड़ी है। तू अपनी परेशानियों को बता कि तेरा हौसला कितना बड़ा है। तेरी बहादुर बच्ची है ना। देख, कुछ भी करके मुझे तुझे दिदुन से और सोनागाची से दूर रखना है, और इसके लिए जितने भी पैसे लगेंगे ना मैं लाऊंगी, ना मैं कुछ भी कर लूंगी लेकिन मैं लाऊंगी पैसे। प्रतिमा कैसे? और अगर पैसे ही मेरी हर मुश्किल का हल है तो क्या मैंने गलती कर दी बिजॉय अंकल से पैसे ना लेकर? अच्छा एक मिनट पिशिमा। मैडम वो बाहर गेट कोई आपसे मिलने आया है। ठीक है, आती हूँ, अब जाइए। फिर क्या हुआ? बिजॉय साहब। हाँ प्रतिमा, अबीर को ठीक करने के लिए उन्होंने मुझे 2 बार बहुत सारे पैसे देने की कोशिश की लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मुझे ऐसा लगा कि अगर किसी की मदद करने के लिए मैं पैसे लूंगी तो मुझ में और दिदुन में क्या फर्क। दिदुन रिश्तों का सौदा कर सकती है लेकिन मैं नहीं। सही किया तूने, बिल्कुल सही, शाबाश। अब देखना, घर से जब तू बाहर जाएगी ना तो अपना सर उठा कर निकलेगी, क्योंकि एक बात मैंने जिंदगी में सीखी है नीरजा, कि इंसान को पैसे कमाने हो ना तो वो कैसे भी कमा सकता है, कुछ भी करके, अच्छा बुरा सही गलत इंसान पैसे कमा लेगा। लेकिन एक बार इज्जत चली गई ना तो फिर वो इज्जत वापस नहीं लौटती। कौन आया था? मैडम नाम तो नहीं बताया लेकिन जब तक मैं वापस आया तब तक वो निकल चुकी थी। ठीक है, ये नीरजा वहां क्या कर रही है? नीरजा, तुम यहां अकेले? मुझे लगा कोई है तुम्हारे साथ। जी आंटी, मुझे भी लगा था कि कोई है मेरे साथ लेकिन मैं बिल्कुल अकेली ही हूं। ठीक है, अब अंदर आ जाओ। प्रतिमा, प्रतिमा तू अब जा यहां से, वैसे भी यहाँ पर सबके दिल बदल गए हैं, रिश्तों को समाज के नियमों से तोड़ने लग गए हैं। पहले मौसमी आंटी मुझे अपनी बेटी की तरह रखती थी और अब वो मुझे छूने से भी डरती है क्योंकि मैं सोनागाची से हूँ। इसलिए तू जा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो तुझे यहाँ देख ले और फिर कुछ ऐसा बोले जो मुझसे बर्दाश्त ना हो। ये सब रहने दे, तू मुझसे बस एक वादा कर कि तू यहां से वापस लौटकर सोनागाछी नहीं आएगी। देख, हमारे पास 7 दिन है ना, मुझे पक्का भरोसा है कि
कि दुर्गा माँ 7 दिनों में कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल के देगी। बस नीरजा तू अपनी हिम्मत मत हारना। हाँ और वैसे भी हम लोग क्या कहते हैं, तो और मैं जब साथ हैं तब डरने की क्या बात है। ना है हम में हिम्मत की कमी, अंधेरों में भी ढूंढ लेंगे रोशनी। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब भी तुझे ठोकर लगेगी ना तेरी ये प्रतिमा तुझे थामने वहां खड़ी होगी। हे देवी माँ, हे देवी माँ, आमा के शक्ति दाओ, आमा के शक्ति दाओ कि हर मुश्किल से मैं जीत पाऊँ, कि हर मुश्किल से मैं जीत पाऊँ। तेरी नीचा नहीं हारेगी प्रतिमा,